ओके, तो हमारी आज की जो ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगला चैप्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट, सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम, डेटा वार, कलर्स स्कीम एंड आइकन सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने बताया था कि ऑप्शंस इतना ही नहीं, और भी ऑप्शंस है। जैसे कि आप देखिए हाईलाइट सेल्स रूल्स में ही देखिए कि आपको यहाँ पे मोर रूल्स दिख रहा है, और इसमें ही देखिए कि आपके कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि है ही नहीं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो बाहर जो चीजें दी गई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दी गई है, मोस्ट यूजेस कह लीजिए, यूजेस दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो मोर रूल्स या न्यू रूल्स पे जाएंगे तो जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे आएगा, जैसे कि टू कलर स्केल, थ्री कलर स्केल, डेटा बार, आइकन सेट, ये सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अपने हिसाब से यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे चीजें बाहर से लगाए तो ज्यादा बेनिफिट होता है। हम बात करते हैं सेल कंटेंट का। सेल कंटेंट में अब यहाँ पे सेल वैल्यू डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले हम सेल वैल्यू पे डिस्कस करते हैं। तो सेल वैल्यू पे हमारे पास है बिटवीन, जो कि हमने बाहर भी लगाया है, यहाँ पे आपको नॉट बिटवीन मिलेगा, मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर इस नंबर से इस नंबर के बीच का कोई वैल्यू को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। जो कंडीशंस आपके लिए रिक्वायर्ड है उसको आप सिलेक्ट करें, अपना कंडीशंस प्रोवाइड करें और यहाँ पे फॉर्मेट सेट करें और ओके कर दें, आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें समझ में आ गई आपको, अप्लाई कर लेंगे ना अक्षय जी, बाकी लोग जितने भी हैं, अब इसको ट्राई करके देखिएगा। अब सेल वैल्यू को मैं स्क्रॉल करता हूं तो टेक्स्ट आता है। तो कल हमने आपको बताया था टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब कि हमने बताया था कि अगर मुझे दिल्ली को हाईलाइट करना है, दिल्ली चाहे दिल्ली अकेला हो चाहे न्यू दिल्ली के साथ हो, हाईलाइट हो जाए, तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था टेक्स्ट दैट कंटेन, तो एक कंटेन था। लेकिन अगर आप न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहाँ फॉर्मेट वाले सेल कंटेन टेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉट कंटेनिंग, मतलब कि दिल्ली के अलावा हाइलाइट हो जाए। यहाँ पे मिलेगा बिगिन विथ कि आपको स्टार्ट में मैंने बोल दिया कि जिसका नाम बी से स्टार्ट है वो हाईलाइट हो जाए, या जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट हो जाए। तो इस बिगिन विथ मतलब कि जो वर्ड आप यहाँ लिखेंगे या लेटर लिखेंगे वो सेल का स्टार्टिंग में होना चाहिए, एंड में चाहे जो भी हो। ऐसे ही एंड विथ कि अगर स्टार्ट एंड में से मैंने बोल दिया एनई, लास्ट में एनई होना चाहिए, तो पुणे हाईलाइट कर देगा आपको, यहाँ पे थाने हाईलाइट कर देगा जिसके लास्ट में एनई है, तो एंड विथ का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। तो कंटेन नॉट डज नॉट कंटेन और यहाँ पे विगन विथ और एंड विथ का इस्तेमाल हम टेक्स्ट में करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ जैसे बाहर पढ़ा था वही था, ब्लैंक ब्लैंक को हाईलाइट करेगा, नॉन ब्लैंक ब्लैंक के अलावा जो फिल वैल्यू उसको हाईलाइट करेगा, और एरर एरर का एक अच्छा खासा यूज करते हैं। चलिए एरर के बारे में एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन लगा के, नहीं एनए, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एनए का, क्योंकि एनए का एरर देता है, और इस एनए के एरर में मैंने कहीं कहीं पे नंबर्स दे दिया है। कहीं कहीं पे एरर दे दिया, मैं चाहता हूं कि जो एरर है ये एरर ना दिखे, बाकी सब कुछ दिखे, हमारा ये एरर नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी के ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, यहाँ कंडीशन प्रॉपर्टी में जाएंगे, न्यू रूल्स, और यहाँ पे एरर्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। इसका जो फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट कलर हम व्हाइट कर देंगे, ये बैकग्राउंड व्हाइट है तो फॉन्ट अगर है व्हाइट हुआ तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, देन ओके एंड देन ओके। तो आपने देखा यहाँ पे 500, 320, 24 दिख रहा है, लेकिन एन ए नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में एन ए है, अगर मैं इसको कलर करूँ, देखिएगा एन दिख रहा है, लेकिन इसकी कलर व्हाइट होने के कारण नहीं दिखता है। सिंपल सी बात नहीं कि ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे अगर व्हाइट मार्कर से लिखेंगे तो पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास नो एरर था, तो एरर नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप कर सकते हो। बाकी जो आपका दिखता है फॉर्मेट, टॉप बॉटम वैल्यूज और यहाँ पे ओनली एवरेज, तो जो आपने बाहर देखा तो वही है इनिंग डुप्लीकेट। इसमें बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला मतलब कि सेल एड्रेस को कैसे यूज किया जा सकता है। अब जरूरी है कि फॉर्मूला हम वही लगा सकते हैं। सुन बोलिए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ का वैल्यू चाहिए, मतलब रैंक वाइज फर्स्ट एंड फोर्थ चाहिए। ठीक है, बताता हूँ सही। ठीक है, मैं नोट कर लिया, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने यहाँ हाँ पे श्योर सर, तो थैंक यू। 5 यहाँ पे 50 किया, मैं चाहता हूँ कि जो 50 है जहां जहां इसमें वहां हाईलाइट हो जाए। तो आप जो है एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू हमने किया था 50, जहां जहां 50 वो हाईलाइट हो गया। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम मैनुअली लिखे, हम यहाँ पे किसी सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, मतलब कि 50 को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, 70, 73, इस तरह से। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं कि अभी तक हमने क्या किया कि जहां पे हमने कलर किया वहीं पे हमने कंडीशन भी दिया। लेकिन अब मेरे पास क्या है कि मेरा कंडीशन अलग है और फॉर्मेटिंग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अमाउंट का 10% अगर ग्रेटर देन 5,000 है तो मेरा सेल्स मैनेजर हाईलाइट होना चाहिए, या फिर पूरा का पूरा ये हाईलाइट होना चाहिए, या सेल्स मैनेजर हाईलाइट होना चाहिए, राइट। तो मैं सेल सिटी हाईलाइट होना चाहिए, तो मैं सिटी सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अभी से पहले क्या था, हमने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते थे। तो नहीं, जब फॉर्मूला इस्तेमाल आप करेंगे या फिर कस्टमाइज करेंगे, कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम यहाँ न्यू रोज में यूज फॉर्मूला, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई फॉर्म है नहीं, कंडीशन प्री डिफाइंड, इसलिए हम फॉर्मूला लेते हैं। और इसमें सबसे पहले इसका निकालते हैं 10%, और उसको हम करते हैं कि ग्रेटर देन 5,000, और फॉर्मेटिंग हम सेट कर देते हैं जो फॉर्मेटिंग हमको चाहिए, हमने फॉर्मेटिंग सेट। अब यहाँ पे डॉलर साइन लगा हुआ है M2, तो मतलब यही एब्सोल्यूट है, मतलब कि जब मैं फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिक्स रहेगा M2, लेकिन मैं चाहता हूँ जब दिल्ली से नीचे बेंगलोर पे करूँ तो मेरा M2 के जगह पे M3 हो जाना चाहिए। तो मैं 2 के आगे का डॉलर हटा दिया, एंड ओके। अभी देखिए इसको यहां से लेके नीचे की तरफ हम हाईलाइट करते हैं, हो गया सर। लेकिन आपने देखा कि हमने एम को, एम का जो डॉलर साइन था वो एम का डॉलर साइन मैंने नहीं हटाया। इसका मतलब है कि मैं पूरा रो करना चाहूं तो मैं पूरा रो भी फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर सकता हूं यहां से। तो जहां जहां हमारा 5,000 से ऊपर हमारा मिलेगा यहां वहां उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है सर। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, मैं ऐसी सिटी को कॉपी करता हूँ और एक अलग सीट पे मैं पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? हेलो, किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, रो नंबर हर चौथा या दूसरा बोल रहे थे, अच्छा, मैंने पूछा था सर। क्या क्या क्वेश्चन था आपका? सर रैंक वाइज अगर 1 to 5 रहेगा रैंक वाइज,
मुझे फर्स्ट रैंक दिखना चाहिए और फोर्थ रैंक दिखना चाहिए, सेकंड और थ्री स्किप होना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ हाईलाइट होना चाहिए, बस ओनली फॉर फर्स्ट एंड फॉर नंबर के हिसाब से ना। नंबर की रैंक वाइज। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट कल की क्लास बताया था, टॉप टॉप 10, तो टॉप 10 में आप यहाँ पे टॉन टॉप 1 करके हाईलाइट कर सकते हो। क्या ये मैं दिखाता हूँ, अलग दिखाता, सर अलग से दिखाता, रुकिए अलग से दिखाता हूँ, एक नई शीट ऐड करके दिखाता हूँ, इसी पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है एंड 15 है। इन सबसे हाईएस्ट हाँ कितने हैं, ठीक तो आप यहाँ टॉप बॉटम पे जाए, एक कंडीशन लगाए टॉप 1, टॉप 10 नहीं, टॉप है। 1, तो क्या हुआ, आपका हाईएस्ट टॉप ऑन हो गया। फिफ्टीन हाईलाइट हो गया। अब इसी के ऊपर आप जो है टॉप बटन में, अब क्या चाहिए, फोर्थ चाहिए आपको ना, तो टॉप बटन में अगर मैं यहाँ पे फोर्थ कर दूँ, तो आप चाहते कि इसमें फोर्थ में मतलब तो कि आपका 8 हाईलाइट हो, 10 और 9 हाईलाइट होना चाहिए ना। हाँ 15 और जो भी फोर्थ वाला है 8, मतलब सिर्फ दो ही हाईलाइट होना चाहिए। फोर्थ हाईलाइट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप एक मिनट, इसके लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका लार्ज का, नहीं लार्ज नहीं, लार्ज का, इसको सिलेक्ट करके कॉमा अगर हम फोर कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आएगा 8। आ गया सर। सर मुझे हाईलाइट करना है। हाँ हाँ तो पहले नंबर पता तो चल रहा है, एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन हाँ तो नहीं है, नहीं तो सिंपल बात, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला है, मुझे इक्वल टू लार्ज करना पड़ेगा, तो ये पता करना पड़ेगा ना कि ये इसमें से चौथा नंबर पोजीशन कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास ओके लार्ज का फॉर्मूला है, जो कि एक सिलेक्टेड एरिया में जो नंबर ऊपर रैंक बोलोगे उस रैंक का वैल्यू दे देता है। अब मैं कंडीशन प्रॉपर्टी बोलूंगा कि जहां भी 8 है उसको हाईलाइट कर दो, समझ गए, तो ओके मैं न्यू रूल्स में जाऊंगा, यूज फॉर्मूला, और इसमें मैं करूंगा कि इक्वल, मतलब जो जो F1 है वो इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे लार्ज। सर अभी जो फॉर्मूले यूज किया हम लोगों ने, वो फॉर्मूले तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला, सर, लार्ज वाला अभी यूज किया हाँ हम तो लोगों ने। लार्ज तो यूज ओके बाहर। कर लोगे हाँ ओके 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 ना, और इसमें का जो डॉलर साइन है इसका डॉलर साइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रहेगा। याद दिया कि F1 की वैल्यू लार्ज, और यहाँ पे मैंने दे दिया चौथा नंबर होना चाहिए, और फॉर्मेटिंग में हमने अपना फॉर्मेटिंग दीजिए स्टार्ट कर दिया, और फिर फॉर्मेट पेंटर से मैंने इसको पेंट कर दिया, हो गया, ओके हाँ। कोई डाउट इसमें, तो क्या उसी अगर उसी में हम लोगों को एक भी दिखाना है, दिखाना है, हाँ इसी में मुझे एक भी दिखाना है, इसी एक रूम में फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक ही में दिखाना है। क्या मतलब, अच्छा अभी 5 to 15 में है, इसी में मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ हाईलाइट करना है। हाँ तो फर्स्ट एंड फोर्थ हाईलाइट हो गया ना, हाँ ओके 15 और 8। ओके ओके तो 15 का कलर अलग है, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिए, आपको दिक्कत होती है, ठीक ओके 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 है ना, सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। हाँ सर ओके ओके हाँ आप लार्ज में देखिए, मैंने अलग अलग लगाया हुआ है, मैं टॉप 5 में 1 लगा दिया हुआ है, तो लार्ज में आप चाहो तो लार्ज ही लगा सकते हो, जहां पे हमने 4 लिया है वहां पे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। गॉट इट चलिए ओके। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब हम लोग पिवट टेबल काम करेंगे उस टाइम पर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगा ये क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बोलते हैं ओके थैंक यू सर। ठीक है।
तो यहाँ पे हम ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अशीन सीट्स में आते हैं, तो इसमें मान लीजिए हमने सिटी का कॉलम ले रखा है, राइट। तो इसमें हमने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मान लीजिए कि हमने डुप्लीकेट ले लिया है, डुप्लीकेट को हाईलाइट कर देता है। लेकिन डुप्लीकेट में क्या हुआ कि सारे दिल्ली पूरा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि तो इसमें कई नंबर रिपीटेड है। अगर मैं दिल्ली को सिलेक्ट करूं, दिल्ली मान लीजिए करता हूं, तो दिल्ली एंड ओके, देखिए तो कई बार है। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट को छोड़ दे और बाकी को अलग कर, क्योंकि हम डिलीट करने में दिक्कत हो रही है ना, या फिल्टर करने में दिक्कत होती है। मतलब कि फर्स्ट जो आया उसको रहने दे, हाईलाइट ना करे, सेकंड को हाईलाइट करे। मतलब कि अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, जैसे मैंने नेम लिखा तो मैंने फर्स्ट टाइम अगर सुजीत लिख दिया तो ठीक है, पर जैसे ही मैंने दूसरा सुजीत लिखा नीचे, तो हाईलाइट डुप्लीकेट क्या करता है, दोनों सुजीत को हाईलाइट कर दिया। लेकिन मुझे इसमें सिर्फ इसी सुजीत को हाईलाइट करना, क्योंकि हमने यहां गलती की है ना, ऊपर तो सही है क्या सर, समझ में आया। सर वन मोर टाइम एक बार फिर से बता देना ये, वन मोर टाइम। मुझे क्या करना है कि जैसे कि हम एक कॉलर में कुछ एंट्री कर रहे हैं, तब मैं सुजीत लिख दिया, पूजा लिख दिया, नवीन लिख दिया, लिखा ना, और फिर मैं वापस सुजीत लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि सुजीत में ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूं, तो मुझे मुझे ए हाईलाइट होना चाहिए, समझ गए। मतलब कि फर्स्ट टाइम जो एंट्री हुई है वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट के बाद अगर मैं कोई गलती करता हूँ, एक या दो एंट्री करता हूँ, वो हाईलाइट होना चाहिए, समझ गए। प्रॉब्लम समझ में आया। हाँ फुलिंग, हाँ यस सर। सोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला है। तो काउंट इफ का फॉर्मूला अगर आप रेंज में देते हैं, बोलते हैं कि सुजीत कितना बार है, तो यहां आपको हाईलाइट करके दे देता है कि सुजीत 2 बार है ओके और नीचे भी दिखाता है कि 2 बार है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे दिखाना है कि पहला सुजीत है और ये हमारा दूसरा रुझान, समझ गए, इस तरह दिखा। तो इसके लिए हम काउंट इफ ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तिगम करेंगे। काउंट इफ हम रेंज को लिया और क्राइटेरिया में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि हमने एक तीनों सेम दे दिया, ए टू से ए टू कॉमा ए टू, पहले वाली ए टू को हम फ्रीज कर दें, डॉलर साइन लगा के कर दिया सर। आप नीचे ड्रैग कीजिए तो क्या होगा, ये देखिए 2 आ गया। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि ये अपने से ऊपर वाले को ही काउंट कर रहा है, नीचे वाले को काउंट नहीं कर रहा है। और हमने पहले को फ्रीज कर दिया तो स्टार्टिंग फिक्स हो गया, एंडिंग जो है वो हमारा इंक्रीजिबल हुआ। जैसे ए टू से ए टू, अब यहाँ देखिए क्या है, ए टू से ए थ्री, यहाँ है ए टू से ए फोर, यहाँ है ए टू से ए फाइव। तो सेम फॉर्मूला मैं इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगाऊंगा, सेलेक्ट करके फॉर्म मैनेज रूल न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला इक्वल, और लिखूंगा यहाँ पे कि रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, समझ गए। तो कलर कर दो और फिर हम इसको फॉर्मेट पेपर से देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए पूजा लिखा, तो यह हमारा पूजा हाईलाइट हो गया। ओम लिखता हूँ तो फर्स्ट टाइम है, हाईलाइट नहीं हुआ। उदय लिखता हूँ फर्स्ट टाइम हाईलाइट, तो उदय लिखता हूँ फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया, नहीं। फिर वापस मैं सुजीत लिखता हूँ तो हाईलाइट, समझ गया कैसे किया मैंने। तो बेसिकली किसकी शोर आ रहा है माइक से, हाँ अब यहां पे तो कहने का मतलब है कि अब फॉर्मूला तो आपको भी कुछ आता ही होगा क्या सर,
यस सर। तो मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है, अपने आप बोलिए सर, जब हम लोग वी लुकअप डालते हैं क्या, जब भी वी लुकअप डालते हैं तो सबसे पहले वी लुकअप को क्या मिलता है, जब टॉप वाला और ये मिलता है डेटा मिलता है वही को लेता है। जब वी लुकअप पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है सर? सॉरी, ओके ओके सर, ठीक है ना? तो ठीक है, आप लोग क्या करें कि अपने हिसाब से जो आपको भी आता है फॉर्मूला उसके हिसाब से अप्लाई करें और फिर मुझे भेजें, फिर मैं देखूंगा तो फिर और एक दो एग्जांपल भी कंडीशन वर्टिंग कर दूंगा, फिर आगे हम प्रोटेक्शन पे जाएं, ठीक है? कंडीशन वर्टिंग की एक और क्लास लूंगा मैं आपकी, जब मैं आपको फॉर्मूला करा दूंगा।